आप लोगों ने हमेशा रॉ हनी कंज्यूम करना है, प्रोसेस्ड हनीज ओके, फिल्टर्ड हनीज आपने कंज्यूम नहीं करने। अच्छा, व्हाई? बिकॉज दे आर गुड स्वीटनर, नॉट हनी। ओके, पाकिस्तान की 22 वैरायटीज में से 4 वैरायटीज हैं जो जमने में टाइम लेती हैं या नहीं जमती। सही। रेस्ट ऑफ द 18 वैरायटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान वो जमेंगी। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छह। हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज किस तरह से होती है? एक्टिविटी में आप सब दोस्तों को शरीक करें, मासिस को शरीक करें और जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको भी शरीक करें। सो इस वक्त हम इस्लामाबाद के सबब्स बाराकों से थोड़ा सा आगे छतर पार्क के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये कैरीसा यानी कि ग्रंडा क्रॉप का एरिया है। बहुत ही खूबसूरत क्रॉप है, मेडिसिनल हेल्थ वैल्यू उसकी बेपनाह है, एंटी कैंसरस पोटेंशियल है इस शहद का। तो खाने वालों के लिए इसमें इतनी शिफा है कि जितना सोचे कम है। जायके में ये बेपनाह लजीज है। और जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि यहाँ पर हम आपको बेपनाह किस्म के बॉक्सेस दिखाएंगे, बेपनाह क्रॉक्सेस की बीज दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो बॉक्सेस हैं उनकी यील्ड क्या आती है। जर्मन बॉक्सेस क्या हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉक्सेस क्या हैं, बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम के बॉक्सेस क्या हैं और इन तमाम में यील्ड का डिफरेंस कैसे आता है, कैसे हनी डिफरेंट प्रोड्यूस होता है। आई विश कि आप एक अगर जनरल एक राउंड लें और आप देख लें मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस इस वक्त यहाँ पे पड़े आपको नजर आएंगे। जी जी। कुछ मैं आपको फ्रेम्स भी दिखाता हूँ कि जी। आपको फ्रेम से भी आइडिया हो कि ये बी है कौन सी। इस बी को हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं जी। सही। यूरोपियन मक्खी एपिस मेलिफेरा इस नाम से ये जानी जाती है। सही। ये देखें मक्खियों से भरपूर है ये फ्रेम। बिल्कुल। सो दिस मीन्स दिस इज़ ए वेरी हेल्थी कॉलोनी। ऑलराइट। यानी कि प्रोडक्शन वाइज ये कहीं मार नहीं खाएगी। सही। इसमें प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ज़रा क्वीन भी दिखाइए। क्वीन भी किस जगह जी, पर जी, है? क्वीन कहाँ पे जी? ये देखें जी। ठीक है जी। सो दिस इज़ द क्वीन। सही। दोबारा दिखाइए सर ये क्वीन। ऑलराइट। ठीक है जी। और अभी इसमें ये जितने सेल हैं नीचे ब्राउन ब्राउन कलर के जी जी, ये तमाम के तमाम जो हैं ब्रूड सेल्स हैं। सही। ठीक है जी। सही। इसके अंदर जो है इसके बच्चे हैं। Okay. और लाइकवाइज बाकी इसमें ड्रोन्स भी हैं और बाकी वर्कर बीज भी हैं। okay. जो बी कॉलोनी का स्ट्रक्चर होता है वर्कर बीज की। अच्छा, ये वर्ड आपने यूज किया ड्रोन, जी। उसका क्या फंक्शन होता है? ड्रोन जो है वो मेल बी है प्राइमरली। ऑलराइट। जो बेसिकली मेटिंग का काम करता है और बीज को आगे फिर आगे जो क्वीन भी है उससे फिर आगे रेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये तो फर्स्ट फेज था जहाँ पे हम आपने दिखाया कि ये फ्रेम है। अभी हम उस फ्रेम की तरफ चलेंगे जिसके अंदर शहद बन चुका हो। जी जी। ठीक है जी। तो अभी हम उस फ्रेम की तरफ चलते हैं। चले। ये भी हमारा नेक्स्ट फेज है जी। जी जी। जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इन फ्रेम्स के ऊपर अभी हनी मौजूद है जी। उन फ्रेम्स को फिर हम सेक्लूड करके अलग एरिया में ले आते हैं। ओके। और इस एरिया में फिर हम हनी एक्सट्रैक्ट करेंगे उन फ्रेम्स में से। सही। तो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे वो फ्रेम्स कौन से जिसके ऊपर हनी है जी, और वो क्या प्रोसेस है जिसपे हाइजीनिकली मैक्सिमम हाइजीनिकली इन द फील्ड एनवायरमेंट हम हनी इसपे से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कैसे हनी एक्सट्रैक्ट होगा। चले। ये देखिए जी, फ्रेम फुल भरा है, फुल सील है। देखिए। अच्छा, 100% सील है। तो इसमें तमाम का तमाम शहद जो है वो कैप कर दिया है बीज ने। ओके। तो जो कैप्ड हनी है वो फुली राइप है। ये हमारा बेस्ट एडवांटेज है। सही। और अभी हमने सिर्फ ये नहीं करना, ये जो कैप्स हैं इन कैप्स के अंदर ये देखिएगा, इस कैप के अंदर हनी ज़बरदस्त है और ये च्युइंगम है, ज़बरदस्त किस्म का च्युइंगम है। अभी आप नेट को बेशक थोड़ी सी लूज कर लें और आप इस हनी को टेस्ट करें ताकि आपको मज़ा आए। ये देखिए, मैं इसको हनी में डिप करके आपको ये देता हूँ, जस्ट ट्राई इट आउट, आपको ये मज़ा आए। ये लीजिएगा हनी, ट्राई कीजिएगा। नहीं, आप नेट को डाउन करेंगे थोड़ा सा, ये चेक करें जी। हियर इट गोस। कैसा टेस्ट है जनाब? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, डिफरेंट है। अभी ये ट्रे अनकैप हो रही है, अभी हमें इसके अंदर सारा शहद नज़र आ रहा है जी। ये देखें, दिस इज़ ऑल हनी। ये ट्रेज यहाँ पर आती चली जाती हैं। okay. जैसे जैसे अनकैप होती चली जाए और जहाँ पर जब डिज़ायर्ड नंबर ऑफ ट्रेज इकट्ठी हो रही हैं
फिर हम इस मशीन के ऊपर आ जाते हैं। ओके, ये एक्सट्रैक्टर मशीन है। सही, इस मशीन में सारे ये फ्रेम्स डालेंगे। सही, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत जी जी हानी साइड्स पे जाके स्पिन करने की वजह से साइड पे जाता है। और ये आप देखिए फिर हानी यहाँ पर जी स्ट्रेन होकर यहाँ पे नीचे हानी आता चला जाता है। सही। अच्छा, इस नेट का बड़ा प्यारा मकसद है। अच्छा, इस नेट से आप देखें ये सारे जो इसका ब्रूड लार्वा एग शेग सारे साइड पे हो रहे हैं। ठीक। और ये इसमें प्योर फिल्टर जो अभी हम कह रहे हैं नेट से में सिर्फ इसमें से ये लास्तें जो हैं जो इसकी आलूदगियाँ हैं वो निकल रही हैं। ओके, इस बकेट में इकट्ठी हो रही हैं। ठीक। फिर बकेट का ये टैप यहाँ पर ऊपर लगा हुआ। सही। तो ऊपर वाले टैप से यानी कि चीज़ें जिन्होंने नीचे से बैठ जाना बैठ जाएंगी जी जी, इस ऊपर वाले टैप से चीज़ें निकलेंगी और इस कैन के अंदर चली जाएंगी, फिर कैन को हम बंद कर देंगे और हमारा हनी का एक कैन अप्रॉक्सीमेटली 40-50 kg ओके इस कैन के अंदर हनी आ जाएगा जी। सही। तो सही। ये फील्ड एनवायरनमेंट में ये तरीका होता है जिससे हम गलासतें दूर करके पाक करके साफ शफाफ हनी आपके लिए अलग तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी। सही। और ये दिखाइएगा, ये देखें नाज़रीन, ये इस तरह ये फ्रेम्स को रखते हैं इस इक्विपमेंट में और इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टर मशीन। ओके, ये भी जर्मन स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये लोकल मेड है क्या? ये जर्मनी की है। अच्छा, जर्मनी की है। सही। ये इक्विपमेंट सारा ही जर्मनी का है। ओके, तमाम का तमाम जितना भी है ये जितना भी है। सही। हमें इस वक्त तो आसान दिखाई दे रहा है लेकिन जब आप शायद की मक्खियों से जब वास्ता पड़ता है तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आपको अलाउ करती हैं कि ले जाओ भाई ये। अच्छा, आई टेल यू, ऐसा नहीं है। अच्छा, बी इज नॉट दैट फ्रेंडली। तो जब भी आप एनवायरनमेंट में आएंगे बी रेडी कि आपने दो चार स्टिंग तो लेके जाने हैं। अच्छा, बट ऑल सेड एंड डन जो स्टिंग्स हैं दोज आर आल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, बिकॉज ये एपिथेरेपी जो है ये अपने अंदर बजाते खुद एक साइंस है। आई टेल यू, अगर आपको एक्स नंबर ऑफ बीज काटती रहे एक रेगुलर फिनोमेनन से तो मक्खी मच्छर आगे पीछे दाएं बाएं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऑलराइट, अगर मच्छर काट भी जाए तो आपको कोई गम नहीं होना है। जी जी, मक्खी काट जाएगी आपको बिल्कुल डर नहीं होगा, ना दर्द होगा ना कोई मसला होगा। सही। और आपके जिस्म के अंदर जो मजीद स्ट्रेंथ आएगी वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएगी। सही। बी वेनम, आई टेल यू, ये आपके जो जॉइंट पेन्स हैं उसके लिए बी वेनम इज अगेन वेरी वेरी गुड। फ्रोजन शोल्डर के लिए बी वेनम इज अगेन वेरी गुड। तो इसको एज ए स्टिंग के तौर पे एपिथेरेपी के तौर पे इसको स्टिंग करवाते हैं लोग आके बिलखसूस। अच्छा। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त एफआईए के डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। अच्छा। वो आते हैं, उनसे चला नहीं जाता, वो आते हैं 5 मक्खियां पकड़ के यहाँ पे अपने आप को डंग मरवाते हैं। ओहो। तो एक हमारे साथ भाई थे, उन्होंने कहा भैया आपको दर्द तो नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा जी कि दर्द तो हो रही है लेकिन उस दर्द से कहीं गुना बेहतर है जो मैं सारी उम्र सहता आया हूँ, तो एटलीस्ट आई कैन वॉक नाउ। सही। सो दिस इज सो गुड अ थिंग, सो गुड अ मेडिसिन एपिथेरेपी। इसके पर हमारे यहाँ काम होना रहता है जी, आई टेल यू। सही। बाकी एडवांस दुनिया में इस पर बहुत काम हो चुका है। हम लोग सिर्फ शहद ही खा रहे हैं, हम लोग शहद की वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, हम लोग बी पोलन कंज्यूम नहीं कर रहे, हम लोग रॉयल जेली कंज्यूम नहीं कर रहे। सही। हम लोग प्रोपोलिस कंज्यूम नहीं कर रहे, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में आती हैं। ये कॉम हनी जो है, कॉम हनी को हम कंज्यूम नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इस हनी का जायका कैसा है। सर पहले ये बताइएगा आप जो है ये साथ क्या है, ये सिर्फ हनी तो नहीं है ना? दिस इज वैक्स जी, ये कॉम हनी कह लें आप, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ हनी वन कैन एवर हैव। ओके, हनी लाइव हनी इन द वैक्स कॉम। सही सही। तो इससे बेहतर प्रोड्यूस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और आप फार्म पे आए और ये चीज़ आप ना खाएं तो यू आर मिसिंग समथिंग। वाओ, यू मस्ट नॉट मिस दैट। और इतना जबरदस्त इसका जायका है। अच्छा, ये गले में ना सीधा टच हो रहा है, रॉ हनी स्ट्राइक करेगा, है ना जी? ऐसा ही है, ये आपको एकदम बताएगा कि मैं रॉ हनी हूँ और मैं आपके थ्रोट को टच कर रहा हूँ। सही। और नाज़रीन, ये जो छत्ते का पीस था जिसको वैक्स भी कहते हैं वो अभी ऐसे लग रहा है जैसे मैं च्युइंगम खा रहा हूँ। यस, दिस और आपने हनी ऐड करते जाना है और च्युइंगम को एंजॉय करना। वाह 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 वाह। हियर आई विल टेल यू वन मोर मैसेज, आपने जो जरूरी मैसेज है वो देना है। जी जी, वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा रॉ हनी कंज्यूम करना है, प्रोसेस्ड हनीज ओके, फिल्टर्ड हनीज आपने कंज्यूम नहीं करने। अच्छा, व्हाई? बिकॉज दे आर गुड स्वीटनर, नॉट हनी। ओके, दिस इज ए वेरी बिग स्टेटमेंट बट लेट मी से दिस, वो स्वीटनर है अलग क्वालिटी के, जबरदस्त किस्म के। ओके, लेकिन हनी की बेतहाशा खसूसियात उसमें से मिनहा हो चुकी है, बिकॉज उसको हीट कर दिया गया है। सही। उसको फिल्टर कर दिया गया है। सही। उसमें से रॉयल जेली कॉन्टेंट क्या, उसमें से पोलन क्या, उसमें से एंजाइम्स मर गए, जो हनी की खूबियां थी गई। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज, सही, जब कुरान में हनी से शिफा का वादा आपको दिया गया जी, तो वो इस ज़मन में दिया गया जी कि आपने वन काइंड ऑफ हनी नहीं खाना जी, कि आप ये कहें कि मैं
आम खाऊं अनवर अटोल या चौसा तो मुझे तमाम बेनिफिट्स मिल गए, सेब, अमरूद, अंगूर, अंजीर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ऑल फ्रूट्स एवरीथिंग, तब आपको फ़ायदे सारे के सारे मिलेंगे। लाइक वाइज यू नीड टू कंज्यूम ऑल हनीज। पाकिस्तान में 22 वेराइटीज़ का हनी है। सही। इन 22 वेराइटीज़ के हनी को जब आप देखेंगे तो कोई आपके दिल के लिए अच्छा है, कोई गुर्दे के लिए अच्छा है, कोई फेफड़े के लिए अच्छा है, कोई दिमाग के लिए अच्छा है, कोई गट के लिए अच्छा है। सही। दिस कैरिसा हनी पर्टिकुलरली जिसकी हार्वेस्टिंग पे आए हुए हैं, दिस हैज एंटी कैंसरस पोटेंशियल। अच्छा, दिस इज ए वेरी गुड हनी। ये इस्लामाबाद वालों के लिए ब्लेसिंग है, नेमत है। सही। एंड अ जर्मन रिसर्च सेज आपने वो हनी कंज्यूम करना है जो आपके एरिया से हो। सही। आपके शहर से हो। सही। आपके मुल्क से हो। ओके। अगर आप यहाँ पे बैठ के जर्मन हनी खाएंगे, ऑस्ट्रेलियन हनी खाएंगे, तो वो जो उसमें एंटीबॉडीज, वो जो कैटर फॉर करना है जरासीम, बीमारियाँ, परेशानियाँ, वो उस तरीके से कैटर फॉर नहीं करेगा जो आपके लोकल एरिया का प्रोड्यूस हनी जिसपे बी काम करके बनाएगी। सो आपने इस चीज़ को प्लीज़ इस चीज़ को कैरी ऑन करना है, मैसेज को पास ऑन करना है। और रॉ हनी से मुतल्लिक एक और चीज़ सर जरूर बता दूँ आपको जी। अभी हमारी बहुत सारी बड़े बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं जी, बट वो ब्रांड जो हैं सम हाउ, बिकॉज मेरी दादी नानी ने कह दिया था कि शायद नहीं जमता, अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। सही। और किसी ब्रांड को ये हौसला नहीं पड़ रहा हो ये दुनिया को, ये पाकिस्तानियों को ये बता दे कि भाई असली हनी जम सकता है। ओके। सही। पाकिस्तान की 22 वैरायटीज में से 4 वैरायटीज हैं जो जमने में टाइम लेती हैं या नहीं जमती। सही। रेस्ट ऑफ द 18 वैरायटीज विच आर प्रोड्यूस इन पाकिस्तान वो जमेंगी। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, छः महीने, सात महीने इसके अंदर जमेंगी। सही। जमने में आई अंडरस्टैंड अल्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो यू नीड टू कंसल्ट एक्सपर्ट्स कि जमना कौन सा है, कैसा है, क्या मामलात हैं। सही। वो एक अलग स्टोरी है। सही। बट आउटराइटली सेइंग ऑल रॉ हनीज के ये अडल्ट्रेटेड है क्योंकि ये जम गए, दिस इज़ रॉन्ग। बेरी का हनी नहीं जमता पाकिस्तान का, ये एक्सपोर्ट हो जाता है, नहीं जमता, बाहर कंज्यूम होता है, गल्फ में बड़ी हाई डिमांड में है। स्पाइना क्रिस्टी एक मेजर क्रॉप है, यमनी बेरी करके बिकता है, 25,000 रुपये किलो। सही। यहाँ पे हम पाकिस्तान में आपको 5,000 दें तो लोगों को परेशानी हो रही है। एंड व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द बेरी, हाईएस्ट क्वालिटी सीड दैट यू आर गेटिंग। तो दिस इज वन ऑलिव हनी है, जमने में साल ले लेगा। रुबीनिया हनी है, टेक्स मोर देन अ ईयर। गिलगित का हनी है, बहुत प्यारा है, वेरी गुड फॉर द गट, वेरी गुड फॉर द एलर्जीज, वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। सही। कमाल का हनी है, जबरदस्त स्वीटनर है आपने कंज्यूम। देन कैरिसा हनी, ये वाला हनी जी, ये भी जमने में अराउंड अ ईयर और सो ले लेता है। ओके। तो आपकी टेबल पे साल रहते नहीं हनी, आपको पता नहीं लगेगा जमता नहीं जमता, और ये उसमें गुजर जाएगा। सही। अकेशिया अगेन अ वेरी गुड गोल्डन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, रिसेंटली हार्वेस्ट हुआ, बहुत प्यारा जम जाता है। गोल्डन क्रॉप है, कमाल का जायका है। सही। फिर आपको ये आए बाएं शाएं करके लोग खिला देंगे और आप वो खाएंगे, फिर आप मतलब वो हनी नहीं रहेगा। I'm sorry to say. तो प्लीज़ ये मैसेज को जरूर दीजिएगा कि रॉ हनी कंज्यूम कराना है। ओके। और ये मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा, ये भी तो बताइएगा। रॉ हनी लेने के लिए दो मामले हैं आप जी। एक तो आपको फार्मर से लेना चाहिए। ओके। जो आपको ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि भाई ये ठीक है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मुझे शक कोई नहीं, अपनी आंखों के सामने मैंने देख लिया, मुझे शक शुबा कोई नहीं रहा। ओके। आप यूँ कर सकते हैं। तो अगर आपने लेना है तो फिर किसी अच्छे ब्रांड के साथ जुड़िएगा जो आपको रॉ हनी, जो कहे रॉ हनी, कह के देखे मैं रॉ हनी दे रहा हूँ। ओके। सारे लोग रॉ हनी नहीं लिखते ऊपर, इसलिए नहीं लिखते कि उन्हें पता है कि रॉ हनी लिखा तो आगे मैक में पकड़ लेंगे। तो रॉ हनी लिखते ही नहीं है। ओके। तो आपने रॉ हनी लेना है। यस, हम भी रॉ हनी देते हैं। ओके। बहुत अच्छे अच्छे लोग और हैं, वो भी रॉ हनी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी रॉ हनी देते हैं। ओके। मिस्टर बी हनी फार्म्स हैं, तबरुक हनी फार्म्स हैं, और बड़े हनी फार्म्स हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक ही लोग हैं जो अच्छा शहद बना रहे हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे शहद बना रहे हैं। सही। अच्छे फार्मर के साथ जुड़िए, सुलझे हुए फार्मर के साथ जुड़िए, पढ़े लिखे फार्मर के साथ जुड़िए, जो आपको अच्छी नाइस प्रोडक्ट दे और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करके।